शरणं गच्छामि। जय भीम दोस्तों, मैं रजत मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं बहुजन साहित्य के इस विशेष कार्यक्रम किताब पर चर्चा में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है। आज हम बात करेंगे भगवान गौतम बुद्ध के असली नाम के बारे में। शुरुआत करने से पहले आप सभी से मेरा निवेदन है कि वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। दोस्तों, इतिहास में हमें पढ़ाया जाता है कि भगवान गौतम बुद्ध का नाम सिद्धार्थ गौतम था, पर कुछ इतिहासकार ऐसे हैं जो इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते। ऐसे ही एक मशहूर भाषा वैज्ञानिक हैं, इतिहासकार हैं, सामाजिक चिंतक हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह जी। उनका ये मानना है कि भगवान गौतम बुद्ध का नाम सिद्धार्थ हो ही नहीं सकता। उसके लिए वो अपनी किताब खोए हुए बुद्ध की खोज में कुछ तर्क देते हैं। उन तर्कों के ऊपर आज हम बात करेंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह जी अपनी इस किताब खोए हुए बुद्ध की खोज में पेज नंबर 54 पर लिखते हैं, गौतम बुद्ध का नाम सिद्धार्थ नहीं था। इतिहासकार डीडी कोसाम्बी ने लिखा है कि गौतम बुद्ध का नाम सिद्धार्थ नहीं था, यह नाम बाद में उनके अनुयायियों ने जोड़ दिया है। ऐसे भी सिद्धार्थ का पूरा ध्वनि शास्त्र संस्कृत का है, इसलिए गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम सिद्धार्थ संभव नहीं है। यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह जी दो तर्क देते हैं। एक तो ये कि एक मशहूर इतिहासकार हैं डीडी कोसाम्बी, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि भगवान गौतम बुद्ध का असली नाम सिद्धार्थ नहीं था, बाद में उनके अनुयायियों ने ये नाम जोड़ दिया है। और दूसरा तर्क है कि जो सिद्धार्थ है वह संस्कृत का शब्द है, या उसका जो ध्वनि शास्त्र है वह संस्कृत का है, लेकिन बुद्ध के समय या बुद्ध के पहले भी, या बुद्ध ने जब जन्म लिया होगा उस समय की जो भाषा थी वह प्राकृत भाषा थी, और प्राकृत भाषा से ही उनका नाम होना चाहिए। इसलिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह जी ये कहते हैं कि गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम सिद्धार्थ संभव नहीं है। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम सुकृति जान पड़ता है, सुकृति इसलिए कि उनके निर्वाण के फौरन बाद कपिलवस्तु के साख्य भाई बहनों ने उनके भस्मावेश पर स्तूप का निर्माण कराया था। वह स्तूप आज भी पिपरवाह स्तूप के नाम से असली कपिलवस्तु में मौजूद है। यहाँ पर असली कपिलवस्तु अगर लिखा गया है तो मतलब कि इतिहास में कोई नकली कपिलवस्तु भी जरूर है। अगर उसका कोई रेफरेंस मुझे मिलेगा तो आगे मैं उसके ऊपर भी बात करूंगा आपसे। अभिलेख पर लिखा है कि सुकृति भंतिनम सब भगनिकन सब पुत्तलन एम सलील निधाने बुद्धस भगवते सकियन। इसका हिंदी में अर्थ हुआ कि सुकृति गौतम बुद्ध के साक्य भाइयों बहनों पुत्रों आदि ने भगवत बुद्ध का यह शरीर निधान स्तूप बनवाया। यह स्वाभाविक है कि गांव घर के भाई कुटुंब को भगवत बुद्ध को उनके वास्तविक नाम कहने और लिखने का अधिकार है। दोस्तों, ये जो जानकारी मैंने आपके साथ साझा की है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह जी की किताब खोए हुए बुद्ध की खोज के पेज नंबर 54 से मैंने आपके साथ साझा की है। इस जानकारी को या इस जैसी बहुत सारी जानकारी इस किताब में दी हुई है, आप खुद भी मंगाकर पढ़ सकते हैं। ये जानकारी आपको कैसी लगी आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी प्रतिक्रिया दें। ये वीडियो जितने ज्यादा लोगों तक हो सके उतने ज्यादा लोगों तक जरूर साझा करें। दोस्तों, अगर आप लोग मुझे कोई किताब डोनेट करना चाहते हैं या मेरी आर्थिक मदद करना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने नंबर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहां से नंबर लेके मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आप लोग बहुजन साहित्य के सोशल मीडिया अकाउंट को भी जरूर फॉलो करें। हम लोग अब फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और टेलीग्राम, इन चारों प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल हैं। मैं रजत मौर्य मिलता हूँ आपसे अगले किसी वीडियो में फिर किसी किताब के साथ। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखें, पढ़ने की आदत को विकसित करें, क्योंकि जब पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय जोहर।